हो OMG, ये जो ब्रिज देख रहे हो मतलब ये ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर बना है। अब मुझे जाना है यहाँ से डायरेक्ट उदलगुड़ी और कहीं पे रुकूंगा नहीं। ये जो पानीमूर था मैं ही ऑलमोस्ट रेडी है। अब सोच रहा हूँ कि मेरे पास कॉफ़ी और जो मिल्क पाउच आता है ना छोटा छोटा अमूल का, वो भी है, तो कॉफ़ी बना लूँ। आज सूप ना बना के कॉफ़ी बना लेता हूँ। खत्म और मैं लैपटॉप खोल के बैठ चुका हूँ क्योंकि मुझे आज का जो डेटा है उसका बैकअप लेना है। मेरा बाइक वहाँ पे खड़ा है और कल सुबह उठ के जाएंगे पानीमूर वाटरफॉल। चलो मिलते हैं कल सुबह। गुड मॉर्निंग फ्रॉम आसाम गोल्ड फील्ड उमरांगसो। कल मैं अपनी कैंपिंग किया था और आसपास का नज़ारा एक बार देखो। कल मैं दिखा नहीं पाया था आपको क्योंकि कल बहुत अंधेरा हो गया था। और पहुँचते पहुँचते करीब 5 के ऊपर हो गया था। रास्ता बहुत ख़राब था। जब मैं मेघालय से आसाम एंटर किया था उसके बाद से रास्ते का हालत एकदम ख़राब हो गया था। तो चलो अभी थोड़ा चाय शाय बनाते हैं, पीते हैं, उसके बाद सारा कुछ पैकिंग करेंगे और निकल जाएंगे आज उदलगुड़ी के लिए। आज भी आसाम में ही रुकना है मुझे। कल मैं जाऊंगा आसाम से अरुणाचल के बॉर्डर पे। एक केस हो गया मेरे साथ और वो है कि मेरे पास जो आधार कार्ड था मैं शायद कोई एक होटल पे भूल गया हूँ। अब पता नहीं अरुणाचल में एंट्री कर पाऊँगा नहीं आधार कार्ड के बिना। मेरे पास जेरोक्स कॉपीज़ है मगर ओरिजिनल जो है वो मुझे मिल नहीं रहा है, मतलब कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। पता नहीं यार, देखते हैं। गाड़ी को कोल्ड स्टार्ट देना हो गया। अब यहाँ से निकलने की बारी। सारा कुछ इंतज़ाम हो गया। कल बहुत अच्छे से कैंपिंग किया, बहुत अच्छा धूप खिलाया और पूरा ग्राउंड पूरा जगह एकदम खाली है, कोई भी नहीं है यहाँ पे। कल एक खतरनाक वाला एक्सपीरियंस था। चलो अभी यहाँ से निकलते हैं और अभी यहाँ से जाना है मुझे आसाम और अरुणाचल के जो बॉर्डर है एकदम उसके साइड में, मगर आज मैं आसाम में ही रहूँगा। मैं जाऊँगा उदलगुड़ी और यहाँ से डिस्टेंस है लगभग 275 किलोमीटर्स, जो कि 6.5 घंटे के आसपास लगने वाला है और अभी टाइम हो रहा है 8। तो चलो अभी यहाँ से निकलते हैं और जाते हैं पानीमूर वाटरफॉल पहले, उसके बाद वहाँ से जाएंगे उदलगुड़ी। तो पानीमूर वाटरफॉल में भी मेरा लगभग 1 घंटे के ऊपर लगने वाला है, तो सब कुछ मिला जुला के शाम तक मैं पहुँच जाऊँगा उदलगुड़ी। चलो अभी निकलते हैं यहाँ से, बाकी बातें रास्ते में करते हैं। तो ये आ गया नेशनल हाईवे। यहाँ से मुझे लेफ्ट लेना है और यहाँ से मुझे लेफ्ट लेके जाना है लगभग 35 किलोमीटर्स तक, और जो कि लगेगा 45 मिनट्स। 35 किलोमीटर 45 मिनट्स रास्ता अच्छा है, मतलब ऐसा ही रोड मिलेगा शायद।
अगर मिलता है तो बहुत अच्छा है। तो यहाँ से मुझे जाना है 45 मिनट्स दूर पानीमूर वाटरफॉल्स, उसके बाद जाएंगे उदलगुड़ी। और ये जो मैं जब भी प्लेस क्रॉस कर रहा हूँ, ये उमरांगसो दिमा हसाओ के अंदर आता है। ये आसाम का एक विलेज है या फिर एक प्रोविंस है जिसका नाम है दिमा हसाओ। तो अभी मैं दिमा हसाओ का क्रॉस कर जाऊँगा आज, उसके बाद तेजपुर होते हुए मैं उदलगुड़ी घुसूँगा। चलो जी, ओके गाड़ी आ रहा है आरफी। ओ भाई साहब, इसे क्या हुआ है? अरे भाई, ये तो कांड हो गया इसके साथ। ओ भाई साहब, रास्ता बहुत अच्छा है, मतलब मेरा एक्सपेक्टेशन से बाहर है रास्ता। यहाँ पे बाइक कार अलाउड नहीं है। अच्छा, एक्सीडेंट प्रोन एरिया, ओके ओके। और यहाँ से 3.1 किलोमीटर बचा हुआ है, लगभग 4 मिनट जैसा लगेगा। अब सोच सकते हो रास्ता कितना अच्छा है, मतलब किस हद लेवल का अच्छा है, 3 किलोमीटर 4 मिनट में, भाई साहब। चलो पहुँचते हैं। ओके, तो मैं यहाँ से एंट्री किया बाइक को, मतलब यहाँ पे 20 रुपये लगता है एंट्री के लिए और टू व्हीलर के लिए, थ्री व्हीलर फोर व्हीलर इसके लिए भी है, मतलब 30 40 50 ऐसा करके कुछ है। आपको प्रॉपर स्लिप मिलेगा, उससे सारा कुछ लिखा है। तो अभी 20 रुपये दे के मैं अभी नीचे की तरफ जा रहा हूँ, और सामने पार्किंग मिलेगा वहाँ पे रख के उसके बाद मुझे जाना है पानीमूर को देखने के लिए। वाह, क्या साफ पानी है यार, यहाँ से ही दिख रहा है। चलो जी आगे तक चलते हैं। अरे भाई, ये तो काफ़ी बड़ा है यार, ये तो मैं छोटा मोटा समझा था। वाह, यहाँ पे रखना पड़ेगा बाइक को, ये पार्किंग एरिया है। चलो यहाँ पे खड़ा कर देते हैं। तो मैं अपने बाइक को यहाँ पे खड़ी करके, यह पार्किंग एरिया काफ़ी बड़ा है, और यहाँ पे खड़ी करके हेलमेट वगैरह भी लॉक कर दिया हूँ। मैं जा रहा हूँ पानीमूर को देखने के लिए। इस तरफ है, इस तरफ काफ़ी पार्किंग एरिया काफ़ी बड़ा है, देखो। पार्किंग एरिया काफ़ी बड़ा है, मैं इतना बड़ा एक्सपेक्ट नहीं किया था। समझ गया, मुझे जो आज गाइड करने वाले हैं बोट में, इनका नाम है कमलुद्दीन जी। मैं इनका नाम और कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप यहाँ डायरेक्टली इनसे कॉन्टैक्ट करके आ सकते हो। और बाकी बात यह है, ये आज मुझे वहाँ पर घुमाने लेके जाएंगे। और लाइफ जैकेट पहनना पड़ेगा, ये बैग उधर रख सकते हैं ना? ठीक है, चलो अंदर चलते हैं, उसके बाद बात करते हैं। ये पानी मतलब एकदम ओशन जैसे साफ दिखता है, मतलब इतना नीला है ना, पूरा ओशन की तरह दिख रहा है, मतलब पूरा समुंदर लग रहा है मुझे। ये पता नहीं इतना साफ कैसे है। ये कुपली डैम के ऊपर जो बना है ना, कुपली रिवर, वो है। और मैं कमलुद्दीन से बात कर रहा था, तो उन्होंने बोल रहे थे ये बहुत दूर से आ रहा है ये पानी, मतलब एग्जैक्टली सोर्स पता नहीं है मुझे, मगर बहुत साफ है, मतलब इतना साफ पानी, मतलब देखो पानी का कलर। वो कितना पास आ चुके हैं हम, देखो। साहब, ये बहुत तेज़ है पानी, हाँ इसका बहाव बहुत तेज़ है। अभी विंटर सीजन में ऐसा है, आप सोचो अगर बारिश के मौसम में आओगे तो क्या होगा, और भी कहाँ कहाँ से पानी आता होगा पता नहीं यार। सच में ऑसम है, ऑसम। और इस तरफ भी एक है, यहाँ पे भी देखो एक, तीन जगह सर है। ये दो छोटे हैं, वो वाला सबसे बड़ा है। मैं सोच रहा हूँ ये अगर थोड़ा और ऊंचा होता, मतलब लगभग और 10 फीट तक ऊंचा होता, तो ये आसाम का मिनी नायगरा फॉल्स बुलाया जाता। सच में बोल रहा हूँ मैं, मतलब ये नायगरा फॉल्स से कुछ कम नहीं लग रहा है।
और बरसात में तो पूरा नायग्रा फॉल्स ही लगता होगा ये। बस प्रॉब्लम ये है हाइट थोड़ा नीचा है इसका, इसका हाइट अगर थोड़ा ऊंचा होता ना भाई साहब। और ये भी खतरनाक है भाई। सबसे बड़ी बात यहाँ का पानी है, इतना क्लीन है ना, मतलब 6-7 फीट नीचे तक का पूरा एकदम दिख रहा है डाउकी रिवर की जैसा। ये देखो नीचे का पत्थर पूरा दिख रहा है। पानी सो मतलब ठीक ठाक ठंडा है, उतना ठंडा नहीं है मगर ठीक ठाक है। तो वो रहे बोट और लाइफ जैकेट, मैं बोटिंग करके ऊपर आ गया और शायद आपको ये वाटरफॉल अच्छा लगा होगा। और मेरा जो एक्सपेक्टेशन था बहुत हाई था और ये एकदम खरा उतरा है, बहुत बहुत अच्छा था। इतना साफ पानी मैं ऐसा ही गूगल में देखा था, जो पिक्चर्स है वो सब कुछ देखा था और कुछ कुछ फ़ोटोज़ तो और भी ज़्यादा पानी था, मतलब वो बरसात के मौसम में होता होगा, अभी तो शायद उतना विंटर टाइम है तो उतना पानी अभी नहीं है, मगर जितना है ऑसम है, ऑसम है। आपको ज़रूर आना चाहिए अगर आप आसाम के अंदर हो और इधर घूमने आ रहे हो तो पानीमूर वाटरफॉल मस्ट विजिट प्लेस है, ज़रूर आना गाइस। अब यहाँ से थोड़ा नीचे जाते हैं और आपको और एक एंगल से दिखाने का कोशिश करता हूँ, मतलब ड्रोन शॉट। चलो इट्स क्लियर टू सी फ्रॉम अप हियर द वर्ल्ड सीम्स स्मॉल We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. ओके तो मेरा पानीमूर फॉल्स देखना हो गया ख़त्म और मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ। वहाँ पे कुछ दुकान था, वो जो कुछ दुकानें दिख रहा है 2-3 दुकानें हैं, वहाँ से मैंने छोटा मोटा मतलब ब्रेकफास्ट कर लिया। तो यहाँ से मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया और 2 पानी का बॉटल लिया, 10 रुपये का पानी का बॉटल, 15 रुपये। ओके और एक मैगी लिया 30 रुपये और एक स्टिंग लिया, मतलब मुझे कुछ दूसरा कुछ पीना था मगर उन लोगों के पास स्प्राइट स्टिंग ये सब ही है, अमूल कूल ये सब है और फ्रूटी वगैरह स्लाइस वगैरह सब कुछ नहीं है। तो स्टिंग ही ले लिया एक ठो, वो 20 रुपये वाला लिया 30 रुपये। और यहाँ पे काफ़ी सारे बसेस आ रखे हैं, मतलब टूरिस्ट बस में आ रखे हैं। चलो जी ओके अब जो बात है वो है कि अब मुझे जाना है यहाँ से डायरेक्ट उदलगुड़ी और कहीं पे रुकूंगा नहीं। ये जो पानीमूर था अब बिल्कुल ज़रूर आना गाइस, ये मतलब मिस मत करना, इतना ही सुंदर है ये फॉल। रास्ता बहुत ब्यूटीफुल है और रास्ते के दो साइड का सीनिक ब्यूटी और भी अच्छा है। वाह पूरा खेती चल रहा है दो साइड पर, देखो कितना सुंदर है और बीच में से इतना सुंदर रास्ता, भाई साहब क्या ही बताए, बहुत खूबसूरत है। आसाम के अंदर इतना अच्छा रोड हो गया ना अभी। और ये तेजपुर तक ऐसे ही रास्ता मिलेगा, मतलब 250 किलोमीटर ऐसे ही रास्ता है, बहुत खूब भाई। तो ये है दिमासाओ का बोर्ड, मैं अभी दिमासाओ से बाहर निकल रहा हूँ और ये है दियुंग रिवर। ये देखो ये छोटा सा रिवर बह रहा है यहाँ से। ओके ये है दियुंग रिवर, वहाँ पे लिखा था। और ये कौन सा नाम है, दियुंग मुख, ये जगह का नाम है दियुंग मुख, दियुंग रिवर के बगल में है तो दियुंग मुख जगह का नाम है। छोटा सा मार्केट जैसा है, घर बार है, सारा कुछ है, मतलब ठीक है अच्छा खासा। ओके ओ भाई क्या लग रहा है यार, तेजपुर जाने से पहले मतलब 15 यहाँ से तेजपुर 15 किलोमीटर है तो तेजपुर जाने से पहले ये ब्रिज मिलता है,
थोड़ा रुकता हूँ। वाह क्या ब्रिज है यार, इतना बड़ा है, काफी लंबा है ब्रिज। वाह OMG, ये जो ब्रिज देख रहे हो मतलब ये ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर बना है और यहाँ से तेजपुर लगभग 15 किलोमीटर है, 15 से 16 किलोमीटर। और यहाँ पे भी ब्रिज है, ये एक ब्रिज है, मतलब ये जाने का वो आने का अलग अलग है भाई साहब। और चलने के लिए या फिर साइकिल वगैरह के लिए अलग से लेन है। और ये नदी देखो, वहाँ पे पूरा सूखा ज़मीन है, मतलब जब पानी ज़्यादा होता होगा बरसात में या फिर जब बाढ़ आता होगा तब वहाँ पूरा ढक जाता होगा, अभी पूरा रेत है, मतलब चौड़ जिसको बोलते हैं वो आ गया पूरा एकदम। क्या खतरनाक लग रहा है भाई ये, वाह अमेजिंग यार, बहुत खूबसूरत है ये ब्रिज, वाह मज़ा आ गया। तो अरे उस तरफ तो बहुत बड़ा है, उधर दिखाई दे रहा है क्योंकि वो जो पुल है मतलब वो जो ब्रिज है उसके ऊपर ढक चुका है, मतलब दिखाई दे रहा है, बैठ के भी खड़ा होकर भी दिखाई नहीं दे रहा है। इस तरफ देखो भाई, अमेजिंग यार, अमेजिंग यार, सच में अमेजिंग है। तो उदलगुड़ी से लगभग 40 किलोमीटर पहले और एक घंटे का रास्ता है, 40 किलोमीटर दिखा रहा है उदलगुड़ी, और उदलगुड़ी से 40 किलोमीटर पहले ये देखो टी गार्डन दोनों तरफ है, उस तरफ था अभी नहीं है, इस तरफ देखो पूरा टी गार्डन है गाइस। वाह कितना सुंदर लग रहा है, कितना दूर तक है ये, वाह। तो यहाँ से लगभग और लगेगा एक घंटा और मैं पहुँच जाऊँगा उदलगुड़ी, जाके मुझे पहले होमस्टे लेना है, उसके बाद आपसे सारा कुछ शेयर करना है। एक प्रॉब्लम है जो कि आपसे जाके शेयर करूँगा पहुँचने के बाद, होटल लेके अभी नहीं, रास्ते पे नहीं, जाके शांति से आपसे शेयर करना है, क्या करना है सोचना है, एक प्रॉब्लम तो हो गया भाई साहब। देखते हैं, चलो पहुँचते हैं पहले उदलगुड़ी और एक घंटा उसके बाद सारा कुछ शेयर करते हैं आपसे। काफ़ी साफ सुथरा है ये जो होटल है, ये मुझे मिला है 700 रुपीज़ में। ये है समृद्धि गेस्ट हाउस जो मैं आपको दिखाया अभी, तो काफ़ी अच्छा है, मतलब एक दिन के लिए रुकने के लिए एकदम परफेक्ट है। तो मुझे ऐसा ही कुछ रूम चाहिए था, मतलब जो बजट में ही फिट हो और अच्छा भी हो, तो एकदम प्रॉपर है। अभी मुझे रेस्ट लेना है थोड़ा, मैं बाहर से खाना पीना लेके आ चुका हूँ, ये देखो इसमें बॉटल है, एक मज़ा है। तो 3 लीटर पानी लिया हूँ क्योंकि कल भी मुझे चाहिए होगा, तो एक बार खरीद लिया एकदम। और एक वेज चाउमीन पैक करके लाया हूँ, रात में ही खाएंगे और सो जाएंगे, बाकी और कुछ नहीं करेंगे, अभी थोड़ा रेस्ट लेना है मुझे। और ये रोहिता में है, मतलब उदलगुड़ी से आगे है 10 किलोमीटर। उदलगुड़ी आप अगर मेन टाउन में जाते हो तो आपको अच्छा खासा रूम वगैरह मिल सकता है, मैं जहाँ पर गया था वहाँ पर अच्छा खासा रूम मुझे नहीं मिल रहा था, 2-3-4 ऑप्शन था, उसके बाद मुझे ये वाला दिखा तो मैं इधर आया, तो ये वाला अच्छा सा प्रॉपर्टी मुझे मिल गया ओनली 700 रुपीज़, जो रिसेप्शन में है, जो यहाँ का ओनर है, मतलब काफ़ी अच्छा है, आप जिसको फ़ोन करोगे वो ओनर ही होगा यहाँ का। तो आप अगर इसी रास्ते से जा रहे हो तो आप उदलगुड़ी ना जाके रोहिता में भी रुक सकते हो, ये काफ़ी अच्छा है, नीचे बहुत बड़ा मार्केट एरिया है, मैं आपको कल सुबह जाते वक्त दिखाऊंगा सारा कुछ। अभी जो एक मेजर इशू है वो है मेरा आधार कार्ड, अभी प्रॉब्लम ये है कि मैं आधार कार्ड अपना लाया था, अभी मैं पिछले मेघालय में 2-3 होटल में रुका था, वहाँ पे पता नहीं मेरे से आधार कार्ड मिसप्लेस हो गया या फिर उन लोगों के पास दिया था फिर रिटर्न ले लिया, पता नहीं मुझे मिल नहीं रहा है, मतलब मोटा मोटा मुझे अभी आधार कार्ड नहीं मिल रहा है मेरा। तो प्रॉब्लम यह हो गया कि मेरे पास जेरोक्स कॉपीज़ है, मेरे पास फोटो मतलब सॉफ्ट कॉपी है, मेरे पास फ़ोन में फ़ोटो खींचा हुआ है, डिजी लॉकर में मेरा उस कुछ नहीं है, मतलब वहाँ पे मोबाइल जो है अपडेट नहीं है बोल के मैं नहीं कर पा रहा हूँ। और प्रॉब्लम यह क्या है कि मेरा जो आधार कार्ड है उसका फ्रंट जो पेज है वही वाला फ़ोटो लिया, पीछे का पेज मतलब एड्रेस प्रूफ मैं दिखा नहीं पाऊँगा। तो अभी अगर ये लोग बोलते हैं कि नहीं आधार कार्ड के बिना आपको जाने नहीं देंगे तो मुश्किल हो जाएगा, मेरे पास वोटर आईडी कार्ड है, बाकी डीएल वगैरह सब कुछ है, आधार कार्ड भी था मगर मैं शायद पता नहीं, मैं सारा कुछ ढूंढ रहा हूँ आज नहीं मिला। अब ऐसे ही जाएंगे कल,
जीरोस्कोपी मेरे शायद 3-4 कॉपी में रखता हूँ, वो भी मेरे पास है, अगर उससे काम चलता है तो ठीक है, नहीं तो पता नहीं क्या होगा, कल जाके देखना पड़ेगा। चलो बाय बाय, आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं कल सुबह आप लोगों से, एकदम सुबह सुबह स्टार्ट करेंगे। कल पहुँचेंगे दिरांग और उसके बाद जाएंगे तवांग वैली, और कल मैं यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करके जाऊँगा अरुणाचल प्रदेश। और ये वाला जो व्लॉग है, मतलब कल से जो व्लॉग आएगा वो आपको अरुणाचल प्रदेश का सीरीज में मिलेगा, तो आप प्लेलिस्ट में जाके अरुणाचल प्रदेश का जो सीरीज है उसमें सर्च कर सकते हो, कल का जो व्लॉग है वहीं से आएगा, तो आप वहाँ से देख लेना। आज का जो व्लॉग है ये असम तक, असम के सीरीज में ही आपको मिलेगा, ठीक है। चलो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।